सारांश में आपका हार्दिक स्वागत। ऑस्ट्रेलिया ने इंदौर के तीसरे वनडे में रविवार को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनर जोड़ी डेविड वार्नर और एरन फिंच ने अपनी टीम को सधी हुई शुरुआत दी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर वार्नर को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्मिथ ने पहली बार इस सीरीज में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एरन फिंच की वापसी से ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत बहुत अच्छी रही। अपने पूरे फॉर्म में दिख रहे फिंच ने चौके के साथ अपनी सेंचुरी पूरी की और 3 छक्कों की मदद से अपने 100 रन पूरे कर लिए हैं। उनके हाव भाव को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वे स्मिथ को कह रहे हों कि चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। अपनी मजबूत स्थिति में ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर 195 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया को अगर इस सीरीज में बने रहना है तो यह मैच उनके लिए जीतना बहुत जरूरी है। टीम इंडिया भी इस समय अपनी पूरी फॉर्म में है। टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज के पहले 2 वनडे में कंगारुओं के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए हैं। पहले मैच में वे 26 तथा दूसरे मैच में 50 रन से शानदार जीत दर्ज कर चुके हैं। भारतीय टीम रविवार को जीत की हैट्रिक लगाकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरी है।